इंदौर की करते हैं। इंदौर में पिस्टल लेकर एक दुकानदार को धमकी दी गई है। व्यापारियों पर रंगदारी वसूलने का दबाव बनाया गया। पिस्टल लहराने का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। आरोपी समीर और एक सोनू का ये वीडियो सामने आया है और व्यापारी की शिकायत पर अब मामला भी दर्ज हो गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है जहां बाजार में हथियार लहराते ये दो बदमाश आपको दिख रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला रंगदारी का है, जहां रंगदारी करने के बाद पैसे वसूलने की व्यापारियों से जुगत में ये लोग थे, लेकिन अब मामला इस पर दर्ज कर लिया गया है। व्यापारियों ने शिकायत की है और इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। और चलिए इस खबर को थोड़ा और गहराई से हम समझते हैं। हमारे सहयोगी अखिलेश सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, ये जो पूरा एक वीडियो हम देख रहे हैं जिसमें दो बदमाश पिस्टल लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, इंदौर में बदमाशी किस तरह से हावी है इसकी बानगी सिर्फ एक वीडियो देखकर ही देखा जा सकता है कि किस प्रकार से जो बदमाश है खुलेआम पिस्टल लहराते हुए बाज़ार में पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये प्रमुख बाज़ार है खजराना थाना क्षेत्र का, और इसी बाज़ार में जो बदमाश है वो अपने एक अन्य साथी के साथ वहाँ पर पहुँचता है और देखते ही देखते जो वहाँ व्यापार जो लोग कर रहे थे, व्यापारी थे, उनके ऊपर हमला बोल देता है। और हमले में पत्थर और उसके साथ ही लाठी और डंडों के साथ जो बदमाश है वो कहीं ना कहीं ऊपर मारपीट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है। और उसमें एक चीज़ और देखी जा रही है कि जो बदमाश है वो कहीं ना कहीं पर एक पिस्टल भी लेकर पहुँचा था, और लंबे समय से व्यापारियों को दबाव बनाया जा रहा था, रंगदारी वसूलने की यहाँ पर बात कही जा रही थी। और जब व्यापारी ने इस चीज़ का विरोध किया तब जाकर कहीं ना कहीं जाकर ये बदमाश है सोनू और समीर वहाँ मौके पर पहुँचे। इन्होंने पहले व्यापारियों को धमकाया, इससे पहले भी व्यापारियों को यहाँ पर धमकाते हुए दिखाई दिए थे, और एक बार फिर से कहीं ना कहीं पर ये जो वीडियो निकलकर सामने आया। और बताया जा रहा है कि ये वीडियो 10 दिन पुराना है। सबसे बड़ी बात यह कि 10 दिन अभी तक इस पूरे घटनाक्रम को हो गए हैं, सीसीटीवी वीडियो निकलकर सामने आया, उसके बाद भी अभी तक पुलिस की आँखें नहीं खुली है। अभी भी बदमाश फरार हैं और पुलिस इस पूरे मामले पर जाँच करने की अभी भी बात कर रही है, लेकिन अभी तक जो बदमाश है वो गिरफ्तार नहीं हुए। बताया जा रहा है कि जो समद है लोधी वो बीजेपी नेता है और उन्हीं के जो दोनों बेटे हैं वो बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो पुलिस की गिरफ्त से दोनों ही आरोपी फरार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर जो व्यापारी है उनमें काफ़ी आक्रोश भी है, क्योंकि व्यापारी को साफ तौर पर कहना है, जिसमें साफ तौर पर जो आसिफ है जिसको धमकाया जा रहा था वो थाने पर पहुँचा था, उससे थाने पर ठीक ठाक से बातें नहीं की गई थी, उसे धमकाया गया था थाने पर भी, तो इसका भी आरोप कहीं ना कहीं पर जो व्यापारी उन्होंने लगाया। आए दिन इस प्रकार की जो घटना है वो इस क्षेत्र में होती रहती है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से जब संख्या बढ़ रही है तो थोड़ा सा कानून में सख्ती भी देखने को मिलनी चाहिए, जिससे कि जो व्यापारी वर्ग है वो कम से कम राहत की सांस ले सके और स्वतंत्र होकर अपना व्यवसाय कर सके। शुक्रिया अखिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए।